सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। से फाइनली जो है गाइस, महिंद्रा ने अपनी मोजो BS6 को जो है लॉन्च कर दिया है। सो ये आज जो है इसी बाइक के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ इसकी प्राइस पड़ी है अभी, जो है इसकी क्या कुछ एक्सशोरूम प्राइस है, क्या कुछ ऑन रोड जाती है, एंड जो है क्या कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं। सो इस वीडियो को जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से मिल जाए। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस आपको बता दूं सबसे पहले चेंजेस के बारे में, चेंजेस की बात करूं उससे पहले आपको प्राइस बता ही देता हूं, बिकॉज आप बोलोगे यार प्राइस बताता नहीं है और डायरेक्ट पकाना स्टार्ट कर देता है। इसलिए बता देता हूं आपको प्राइस के बारे में। इस प्राइस जो इसकी निकल के आई, इसके चार कलर्स आए, मैं आपको बता दूं। सबसे गाइस यहां पे जो इसका फर्स्ट कलर है ब्लैक कलर, उसकी जो प्राइस है वो है 1.99 लाख एक्स शोरूम, एंड इसका जो सेकंड कलर है ग्रेनाइट ब्लैक, उसकी जो प्राइस है वो है 2,06,000 रुपीस एक्स शोरूम, एंड जिसका थर्ड कलर है रूबी रेड एंड जो है रेड एगेट। सो इन दोनों की जो प्राइस है वो है लगभग 2.11 लाख रुपीस एक्स शोरूम। सो ऑन रोड लगभग जाएगी 2.38 लाख तक, एंड बाकी जो है कलर पे डिपेंड करता है। सो वो जो है आप अपने नियर शोरूम में जाके चेक कर सकते हो। तो गाइस अभी जो इसकी प्राइस बढ़ी है वो लगभग 10 से 11 हज़ार बढ़ चुकी है इसके BS4 मॉडल की कंपेयरिंग में, एंड यहाँ पे जो इसका सबसे चीप जो कलर है वो है ब्लैक कलर, उसकी जो प्राइस है वो है 2 लाख रुपीस एक्स शोरूम, ऑन रोड लगभग जाएगी 2.35 लाख रुपीस तक। तो गाइस आप जो है इस कलर के लिए भी जा सकते हो, बाकी जो आपकी चॉइस है, जो आपको कलर अच्छा लगे उसकी तरफ आप जा सकते हो। अभी गाइस बता दूं आपको चेंजेस के बारे में, चेंजेस की बात करूं तो गाइस यहां पे जो है आपको सबसे पहले तो BS6 इंजन मिल जाता है, जिसमें जो चेंजेस हुए मैं आपको बता देता हूं। सो गाइस यहां पे जो है आपको 294cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, 25.3 BHP की पावर मिल जाती है, जो कि कंपेयरिंग टू BS4 मॉडल यहां पे 0.6 BHP कम हो चुकी है, एंड यहां पे 25.9 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 2.04 Nm कम हो चुका है। एंड गाइस अब जो है आप सोच रहे हो कि यार परफॉर्मेंस तो इसकी काफी कम हो जाएगी यदि इतना कुछ इसमें हुआ है। सो गाइस मैं आपको बता दूं परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस आपको पहले जो मिलती थी वैसी अभी भी मिलेगी, लेकिन जो रिफाइनिंग है वो जो है गाइस अब आपको ज्यादा देखने मिलेगी, एंड इसकी जो वाइब्रेशंस वगैरह का जो इशू था वो भी जो है अब आपको नहीं देखने मिलेगा। गाइस यहां पे आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाएगा, 25 से 30 तक की माइलेज दे देगी आपको, एंड हाईवे पे जो है 35 भी दे सकती है। गाइस यहां पे आपको 160 प्लस तक की हाई स्पीड दे देगी, एंड बाकी गाइस इसमें इसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे। जो कलर्स आए नए उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो जो है कुछ आपको कलर्स मिल जाएंगे इसमें, उसके अलावा जो है बाइक में जो पहले आपको मिलता था वही सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा, फ्रंट और रियर में जो है आपको डिस्क मिल जाएगा, इस यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाएगी फ्रंट में विद DRLs जो आपको पहले मिलता था सेम सेटअप वो अभी भी आपको देखने मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी। इस यहाँ पे आपको 21 लीटर का जो है इसका फ्यूल टैंक मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी जो है काफी ज्यादा है इस सेगमेंट में, तो आप जो है लॉन्ग राइड्स इससे इजीली कर सकते हो, आपको जो है बार बार फिल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फिल कराओ और जो है निकल पड़ो। सो बाकी इसमें आपको 186 kg का वेट मिल जाएगा, क्योंकि लगभग 5 kg जो है पहले से बढ़ चुका है। तो गाइस यही कुछ आपको जो है इस बाइक में देखने को मिलेगा, और बाकी इसका जो है रिव्यू जो है जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इसकी जो प्राइस है वो मैंने आपको बताई, चेंजेस हुए वो भी मैंने आपको बताया। सो अभी आपको करना क्या है गाइस मैं आपको बता दूं। गाइस अभी जो है आपको एक काम करना है मेरा, कि यार आपको जो है एक रिव्यू जो मैं बनाता हूँ, किसी भी बाइक का रिव्यू बनाता हूँ, सो यार आपको जो है कुछ कमियाँ बतानी जो मैं अपने रिव्यूज में जो है छोड़ता हूँ, सो वो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो यार, या फिर कमेंट भी आप कर सकते हो, सो ताकि मैं अपने जो रिव्यूज़ हैं उनको जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव कर पाऊँ। सो ये छोटी सी हेल्प यार आप मेरी कर सकते हो, तो करो प्लीज़। बाकी गाइस आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।